राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला शिशु जगत। शिशु जगत में आज सुनते हैं कार्यक्रम रामा और श्यामा। हृदय नारायण सेठ द्वारा लिखित इस आलेख को प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभुदयाल खट्टर। दोस्तों, एक थी भैंस, एक थी गाय। भैंस का नाम था श्यामा, गाय का नाम रामा। दोनों में पक्की दोस्ती थी, दोनों सदा ही साथ रहती थी और दोनों खूब दूध भी देती थी। गोरा गोरा जागो वाला, चिकना चिकना जागो वाला, दूध ढेर सा देती रामा, दूध ढेर सा देती श्यामा, कोई इसको गट गट पीता, कोई इसकी खीर बनाता, कोई इसका दही जमाता, कोई इसकी बर्फी खाता। गोरा गोरा झागो वाला, चिकना चिकना झागो वाला, दूध ढेर सा देती रामा, दूध ढेर सा देती श्यामा। रामा और श्यामा की आदतें एक जैसी नहीं थी। श्यामा को नहाना अच्छा लगता, लेकिन रामा को पानी देखकर ही सर्दी लगने लगती। रामा को तो एक ही शौक था, खाने का। हर वक्त कुछ ना कुछ खाती रहती, कच्चा पक्का गला सड़ा रामा सब खा जाती। श्यामा रामा से कहती, अरे ओ रामा, अरे ये गंदा कच्चा पक्का खाना हर जगह मत खाया कर, घर का चारा ही ठीक है। रामा बिल्कुल नहीं सुनती। एक दिन खूब वर्षा हुई, सब खुशी से वर्षा में नहाने लगे। श्यामा भी ठुमकती ठुमकती अपने छप्पर से बाहर आ गई और बारिश में नहाने लगी। श्यामा खूब नहा रही थी, मगर रामा कभी कहीं छुपती, कभी कहीं छुपती। पर वो बचती भी तो कब तक। हवा का एक झोंका आया, उसने रामा के छप्पर को उड़ा दिया। वर्षा का पानी उसके घर में भी घुस आया। अब रामा कहाँ तक बचती, उसको भी वर्षा की बूंदों ने भिगो ही दिया। थोड़ी देर बाद वर्षा रुक गई, रामा की तबीयत खराब हो गई। श्यामा ने उसकी ये हालत देखी तो श्यामा से रहा न गया। अरे ओ रामा, चल मैं तुझको डॉक्टर बाबू के पास ले चलूं, चल तू मेरे साथ चल। मगर रामा डॉक्टर बाबू के पास नहीं गई। रामा को बुखार हो गया, उससे कुछ नहीं खाया गया, उसका माथा भी गर्म होने लगा। रामा ने श्यामा को देखा, श्यामा को कहीं गुड़ खाने को मिलता, कहीं भूसी और कहीं चारा और कहीं हरे हरे पत्ते, हरी हरी घास। रामा का भी मन करता कि वो भी ये सब कुछ खाए, पर उससे तो खाया ही नहीं जा रहा था। कभी उसके पेट में दर्द होता और कभी सिर में। श्यामा ने उससे एक बार फिर कहा, अरे रामा, तू कहे तो डॉक्टर बाबू को यहाँ बुला दूँ, देख तू ठीक हो जाएगी। कितनी बार तुझसे कहा, ऐसी वैसी खराब गली सड़ी चीजें मत खाया कर, अब भूखो मर रही है ना। रामा डॉक्टर के लिए नहीं मानी। धीरे धीरे शाम हो गई, फिर रात हुई, सब सो गए। श्यामा का बुखार और दर्द बढ़ता जा रहा था, उससे न बैठा जा रहा था न सोया जा रहा था। सब सो रहे थे पर श्यामा जाग रही थी। उसने श्यामा के रोने की आवाज सुनी,
वो फौरन भागी भागी आई और रामा से बोली, रामा देख, अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी, तुझे दवा खानी ही पड़ेगी। श्यामा डॉक्टर को बुलाने चल पड़ी। वो गली कूचों से होती हुई एक घर के बाहर आकर खड़ी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू। दरवाजा खुला और एक आवाज आई, अरे श्यामा तू यहाँ कैसे? डॉक्टर बाबू, रामा को बहुत बुखार है, पेट में दर्द है, दिन में खूब बारिश हुई थी, उसी में भीग गई थी, उसे सर्दी तो नहीं लग गई डॉक्टर बाबू? उसका दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, खुद ही भागी भागी आई हूँ। डॉक्टर बाबू जल्दी चलो ना। डॉक्टर बाबू ने जल्दी से अपनी दवा की पेटी उठाई और श्यामा के साथ चल पड़े। जब श्यामा घर वापस पहुंची तो उसने देखा कि रामा चुपचाप जमीन पर पड़ी थी। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, इसे क्या हो गया, ये तो बोलते ही नहीं। अरे श्यामा तू घबरा मत, जरा देखने तो दे, सब सुबह तक ठीक हो जाएगा। पर श्यामा तू रामा से कहना वो गंदा सड़ा खाना ना खाया करे, ये पेट का दर्द और बुखार इसे नहाने से नहीं हुआ है, ये हुआ है हर वक्त जगह जगह खाने से। इसे कहना घर का चारा भूसी ही खाया करे। डॉक्टर बाबू ने रामा को एक सुई लगाई, फिर वो चले गए। सुबह हुई, रामा की आंखें खुलने लगी, उसका दर्द अब कम हो गया था। श्यामा ने रामा को खुशी से अपने गले लगा लिया। देखा, डॉक्टर बाबू की सुई से ही ठीक हुई ना? कह रहे थे अब ये कच्चा पक्का गंदा खाना हर वक्त मत खाया कर। इस तरह से दो दिन बीत गए, रामा बिल्कुल ठीक हो गई। वो अब घर पर ही भूसी, चारा और घास खाती। एक दिन फिर वर्षा हुई। रामा ने श्यामा को पुकारा, अरे ओ श्यामा, देख तो रिम झिम करती बूंदे आ रही है, आज तो मैं भी नहाऊंगी। और फिर खूब बरसात हुई। रामा और श्यामा अपने अपने छपरों में से बाहर आ गई। फिर वो वर्षा के पानी में खूब नहाए, सब वर्षा में नहा रहे थे। आई 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 बरखा रानी, श्यामा श्यामा खूब नहाए, रिम झिम रिम झिम रिम झिम सारे बादल बरस जाए। आई आई वर्षा रानी, श्यामा श्यामा खूब नहाए। आई आई अब रामा बीमार न होगी, खाती घर का चारा, सड़ा गला बाहर का खाना छोड़ दिया है सारा। हाँ हाँ छोड़ दिया है सारा। आई आई वर्षा रानी, रामा श्यामा खूब नहाए। आई आई रामा और श्यामा। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित और प्रस्तुत किया गया।